हरता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश मुस्कुरा क्या रहे हो मूर्ख छलिया, तुम्हारी भी अभी यही स्थिति होने वाली है। अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी छलिया, और ना ही तुम्हें मेरी मायावी शक्तियों की। लौट आओ शक्ति मेरी, मेरे पास लौट आओ। ये क्या हो रहा है? इन असुरों ने विश्वासघात किया है मेरे साथ। भूल हुई है मुझसे, बहुत बड़ी भूल हुई है। कुमरासुर पर विश्वास करने की बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम सब विश्वासघाती हो। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। हाँ, मेरी सहायता करो, मुझे पीड़ा हो रही है। एक कार्य करो ना, प्रभु गणेश जी से विनती करो, वो हमारी अवश्य सहायता करेंगे। अरे तुम हमारी सहायता करेंगे गणेश भगवान? मूषक जी, जो अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। प्रभु तो बार बार अपने शब्दों से मुझे प्रेरणा देते रहे हैं, और मैं प्रभु का सेवक उनके प्रत्येक शब्द का मान रखूंगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मुझे आशीष दीजिए प्रभु, मैं आपके वचनों को सार्थक कर सकूं। जंजाल कैसे तोड़ दिया इसने? मैं इसे फिर से बांधूंगी। आश्चर्य, ये अचानक से इतनी शक्ति और स्फूर्ति कहां से आ गई इस दुर्बल मूषक में? ये क्या हो रहा है? मूषक को क्या हो गया? अचानक से कुशल योद्धा में कैसे परिवर्तित हो गया ये? कैसे? नहीं, संकेत नहीं है शुभ तुम्हारे लिए ये क्रूरासुर। मित्र मूषक, अब मेरी भी सहायता करो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे मेरी सहायता करो मित्र। हाँ। ओम श्री
बस मकर राक्षसी, अब तुम्हारे जाल का जंजाल ना मुझ पर प्रभाव करेगा ना मेरे मित्र छलिया पर। अद्भुत, मित्र मूषक तो अपार शक्ति और अतुलित आत्मबल का स्वामी है। वाह, धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इन विश्वासघातियों के जाल से मुक्त करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मुक्त ही हुए हो छलिया, किंतु सुरक्षित नहीं। देखा मकर राक्षसी, मेरे रहते मेरे मित्र छलिया पर कोई आंच नहीं आ सकती। समय चक्र सबके साथ न्याय करता है मकर राक्षसी। जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वो स्वयं उसमें गिरकर मर जाता है। लो दुष्टा, अब अपने शस्त्र का प्रहार सहन करो। ये मेरी जाल का जंजाल क्यों नहीं बन रहा? समय नहीं है, मुझे भागना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मेरी सेविका मकर राक्षसी का वध कैसे कर दिया इस मूषक ने? कैसे? मित्र मूषक, मैंने कपट किया है तुमसे। उस फुसाकर तुम्हारे कानों में क्या क्या कहा? तुम्हें भीतर से तोड़ने का प्रयास किया है मैंने, कितना शत्रुवत व्यवहार किया है मैंने तुम्हारे साथ, फिर तुमने मेरी रक्षा क्यों की? नहीं छलिया, नहीं। तुम तो मेरे मित्र हो, मित्र मेरे सबसे प्रिय मित्र। और फिर प्रभु गणेश जी ने हम दोनों को एक साथ एक कार्य करने के लिए भेजा था। तो दोनों को ही मेरे साथ युद्ध में भाग लेकर पूर्ण सामर्थ्य से मेरे प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देना होगा। और जब दो लोग एक साथ एक कार्य करने के लिए जाते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखना उनका कर्तव्य होता है। यही प्रभु श्री गणेश जी का आदेश भी है। इसीलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। मैं अपनी भूल समझ चुका हूं। तो एक क्रूर रहस्य जो इस विश्वासघाती क्रूर असुर का है, तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें बताता हूं। जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मात्र एक ही स्थिति में मेरी मृत्यु संभव है। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है। मूषकासुर, और तुम चाहते हो कि तुम उसका वध कर दो। दुष्टता का, कपट का, अधर्म का यही परिणाम होता है क्रूरासुर। अभी भी समय है, सुधर जाओ, धर्म पथ को स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारा भी अंत इतना ही भयंकर होगा। गजानन, माना कि मेरी मकर राक्षसी नहीं बची शेष, किंतु
मुझे क्षति पहुंचाना आपके नियंत्रण में नहीं है। इसका अर्थ है मुझे इस समय प्रभु श्री गणेश जी के साथ होना चाहिए, तभी क्रूरासुर का अंत संभव है। मेरे किसी भी प्रहार का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये तो पुनः सकुशल हो गया है। क्यों कर रहे हैं व्यर्थ प्रयास गजानन? मैंने कहा ना आपसे, आप कुछ भी कर ले, किसी भी अस्त्र का उपयोग कर ले, लेकिन मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। प्रभु आपको आहत भले ही ना कर सके, परंतु मैं तो कर सकता हूँ ना। मूषक यहाँ कैसे आ गया? तो अब मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं है, मुझे यहाँ से अपने महल चले जाना चाहिए। प्रभु देर से ही सही, किंतु एक मित्र ने मित्र की सच्ची मित्रता को पहचान ही लिया और क्रूरासुर का भेद उजागर कर दिया। मुझे ज्ञात है प्रभु कि वो कहाँ है। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। वो यहाँ तक पहुँचे उससे पूर्व मैं इन ऋषियों से कठोर तप आरंभ करवा देता हूँ और इनके इनके तप की शक्ति से मैं अमर हो जाऊंगा। हाँ ऐसा ही करता हूँ मैं। रुक जाओ क्रूरासुर। मूषक नहीं छलिया, मित्रता की आड़ में तुमने कपट किया है मेरे साथ। एक सच्चे मित्र को मुझसे दूर करने का अपराध किया है तुमने। इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं कुछ भी नहीं करोगे तुम, स्तब्धित हो जाओ, स्तब्धित हो जाओ, स्तब्धित हो जाओ। सर्वप्रथम मैं तुम्हारा अंत करूंगा, उसके पश्चात कुछ और करूंगा। दुष्ट नकारे मूषक छलिया। ये किसकी फांस है? किसने रोका है मुझे? गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर यहाँ भी पहुँच गए। प्रणाम प्रभु। तुमने उचित कहा था क्रूरासुर, तुम्हारे इस अमर बनने के कपट प्रयोजन में विघ्नहर्ता गणेश जी ही विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। और देखो वो यहाँ आ भी गए हैं। देखो हे, तुम सभी बैठ जाओ, तुम सब यहाँ मेरे अमृत के तप के लिए हो, बैठ जाओ। जाइए मूषक जी, अब शेष कार्य तो आपको ही करना है, बस स्वयं पर विश्वास रखिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम आगे नहीं बढ़ोगे, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ोगे, मुझे कोई
कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे तो जब कोई तुम्हें कपट मार्ग पर धकेलने का, तुम्हें लक्ष्य से परे करने का प्रयास करे, तो अपने आराध्य को मन में धारण कर उन्हीं का स्मरण करो, फिर कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। आगे नहीं बढ़ सकते तुम, कुछ पर वार नहीं कर सकते तुम, वहीं रुक जाओ। स्वयं पर विश्वास रखिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मेरी किसी भी फुसफुसाहट का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये तो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है। क्या करूं मैं, कैसे अपनी रक्षा करूं? रुक जाओ, वहीं रुक जाओ मूषक। आगे बढ़ने का और मुझ पर प्रहार करने का साहस नहीं है तुम में, वहीं रुक जाओ। रुक जाओ मूषक। अपने वचनों से अन्य सभी को भटकाने के स्वामी नहीं हो, ये शक्ति खो दी है तुमने। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है। मैंने बहुत अपराध किए हैं, मुझे मेरा प्रायश्चित करने की अनुमति दीजिए। और मेरा प्रायश्चित सबसे पहले यह होगा कि मैं यहां से ऋषिगणों को उनके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाऊंगा। है प्रभु, अनुमति दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, और हमें भी तो लौटना चाहिए, आज आपके जन्मदिन का गणेश चतुर्थी का उत्सव जो मनाना है। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। 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 अनुज गणेश, गणेश चतुर्थी के इतने पावन अवसर पर घटनाओं का ऐसा घटना चक्र बिछेगा, ये तो किसी को भी अनुमान नहीं था। किंतु अभी भी समय है, हमें हमारा उत्सव गणेश आरती के साथ आरंभ करना चाहिए। अवश्य देवसेना जी।
और बुद्धि से सिंदूरा संगारा झुकाए अहंकारी कुबेरा दुष्टों को दंड देते भक्तों को मीवा जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ विघ्न हरे भक्तों के जो भी करे सेवा कोटि कोटि आशीष पुत्र चिरंजीवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा गणेश, ये दूसरा वाला सिंहासन तो अब भी रिक्त है, तो अब तुम ही घोषणा करो कि इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। भ्राता, जो इसके अधिकारी थे और रहेंगे। वो है मूषक जी। उन्होंने ही इस प्रतियोगिता में अपनी भक्ति और शक्ति दोनों का ही परिचय दिया और युद्ध भूमि में शत्रु समान व्यवहार करने वाले छलिया की रक्षा कर उन्होंने अपना कर्तव्य भी निभाया। निस्संदेह अनुज गणेश। मूषक जी, प्रभु, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मेरे जीवन का हर क्षण आपके ही काम आए, जब भी देखो तो मात्र आपके ही दर्शन हो। तथास्तु मूषक जी, ये आपका अधिकार है, आज से आप ही मेरे सबसे निकट रहेंगे। आपको ये स्थान देकर तो मैं आपकी नहीं वरन अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहा हूँ। मूषक जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, अपने चरणों में अपने संग मुझ जैसे तुच्छ जीव को ये स्थान प्रदान करने के लिए। आज के बाद मेरी प्रत्येक पूजा में मूषक जी का भी स्थान होगा। जिस प्रकार उन्होंने मेरी पूजा की, उसी प्रकार यदि कोई दूर्भा, मंदार, शमी के साथ मेरा पूजन करेगा, वो मेरी कृपा प्राप्त करेगा। और जो गणेश चतुर्थी के अवसर पर मिट्टी, हल्दी या किसी भी अन्य प्राकृतिक वस्तु से बनी मेरी प्रतिमा को अपने गृह में विराजमान करेगा,
एवं डेढ़, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, सत्ताईस या पैतालीस दिन की अवधि तक पूरी श्रद्धा, सच्ची निष्ठा और पवित्रता के साथ मेरा सत्कार और मेरी पूजा करेगा, उनके गृह में सदा मेरा वास रहेगा। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। वहाँ एक कोने में क्यों खड़े हो छलिया, यहाँ आओ मेरे सामने। आज के इस आनंद उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। क्रूरासुर के कपटपूर्ण वचनों से, उसकी फुसफुसाहट से मेरे मन में ईर्ष्या, घृणा और संदेह उत्पन्न हो गया और उसी कपट विधि का प्रयोग मैंने मित्र मूषक पर किया और उसे दुर्बल बना दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। छलिया, तुमने अपनी भूल स्वीकार की, अपना प्रायश्चित किया, इसलिए तुम मेरी क्षमा और कृपा दोनों के ही योग्य हो। सदा स्मरण रखो, किसी को भी छोटा बनाकर हम कभी बड़े नहीं बनते। प्रभु, मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने ऊपर उन शब्दों का प्रभाव होने दिया, अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर नहीं रहा। उचित तो ये होता कि मैं उन शब्दों को सुनकर भी अनसुना कर देता। हाँ मूषक जी, कोई कुछ भी कहे, आपको अयोग्य पुकारे, आपके सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो भी आपको अपना आत्मबल कदापि नहीं खोना चाहिए। यदि आप अपने विवेक का प्रयोग करते तो मुझे विश्वास है बड़ी सरलता से इस समस्या का समाधान ढूंढ लेते, विजयी होते। किंतु फिर भी अपने भीतर की शक्ति को दृढ़ बनाकर स्वयं अपनी कठिनाई को दूर किया। इस घटना के माध्यम से यही सीख संपूर्ण जगत को भी लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, अपना आत्मविश्वास कदापि नहीं खोना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और ये तो आपकी परीक्षा थी जिसमें आप उत्तीर्ण हुए मूषक जी, तो अब दुखी होने का कोई कारण नहीं। मैं आपको आशीष देता हूँ, आज के बाद आपके कानों में जो कुछ भी कहा जाएगा वो सीधा मेरे हृदय तक पहुँचेगा। अब यदि ऐसा है तो सर्वप्रथम मैं अपनी इच्छा कहूंगा। मेरी ये इच्छा है कि मेरी पुत्री देवसेना का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न। ये तो मेरी भी इच्छा है। आप दोनों अपनी इच्छा एक साथ कह सकते हैं। देवी देवसेना का मेरे प्रति अप्रतिम समर्पण देखकर विवाह के प्रति मेरा विचार ही परिवर्तित हो गया है। अब मैं देवी देवसेना से विवाह करने का इच्छुक हूँ।
प्रभु, मैं स्वामी कार्तिकेय से विवाह करने की इच्छुक हूँ, किंतु मैं नहीं चाहती कि हमारे मध्य कोई अन्य आए। ये तो बहुत चिंता का विषय है। भ्राता कार्तिकेय का विवाह देवी देवसेना और देवी वल्ली दोनों से ही होगा, यही नियति है। फिर मैं आपकी ये इच्छा कैसे पूर्ण करूं भाभी माँ देवसेना जी? क्या हुआ प्रिय? अब तो शीघ्र आपके पुत्र आपके निकट कैलाश में होंगे, तो फिर आप चिंतित क्यों हैं? स्वामी, मुझे पुत्र कार्तिकेय की चिंता हो रही है। इतनी कठिनाइयों से उसने पुत्री देवसेना को विवाह के लिए स्वीकार किया था, किंतु क्या वो वल्ली को भी स्वीकार करेगा? अपने आराध्य के प्रति निष्ठा, भक्ति और विश्वास रखते हुए कर्तव्य का निर्वहन करने वालों की सदा विजय होती है।